फ्रेंड्स, करेंसी फ्री मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। मैं आशीष बरुआ, एन एक्स बैंकर विद 21 प्लस इयर्स ऑफ बैंकिंग एक्सपीरियंस, नाउ एन इंडिपेंडेंट ट्रेडर, ट्रेनर एंड ए कोच। आइए देखते हैं कि कल क्या एक्टिविटीज दिखा गया इन डिफरेंट करेंसी पेयर्स एज वेल एज द डॉलर इंडेक्स। कल डॉलर इंडेक्स आपका 98 के आसपास था मॉर्निंग में जब हमने डिसाइड किया था, तब यहाँ पे हमने बोला था कि ये ट्रेंड चैनल के अपर एंड में है, देर आर हायर चांसेस दे थोड़ा सा करेक्शन हो। एंड वैसा ही हमने देखा है कि कल अच्छा खासा सेल ऑफ हुआ है डॉलर इंडेक्स पे। तो अभी व्हाट नेक्स्ट, अभी व्हाट नेक्स्ट बोले तो हमें देखना है कि दोबारा ये जो आपका 97.00 से 96.80 इसके बीच में ये सपोर्ट लेता है एंड उसके बाद ऊपर जाता है या नहीं। तो आने वाले दिन में हमें डॉलर इंडेक्स में ये देखना पड़ेगा। डॉलर रुपी में कल अच्छा खासा सेल ऑफ हुआ है, इट ट्रेडेड इन बिटवीन 76.98 एंड 76.25 ड्यूरिंग द अमेरिकन मार्केट, यूएस मार्केट। लेकिन हमारे इंडियन मार्केट में 5 बजे तक इसका क्लोजिंग हायर था एंड आज सुबह थोड़ा सा गैप डाउन होकर ऊपर की तरफ ये एक्टिविटीज दिख रहा है। तो आपको याद होगा कल ड्यूरिंग द डे हमने डॉलर रुपये के ऊपर एक कॉल दिया था कि ये लेवल पे सेल करना है एंड स्टॉप लॉस 20-22 पैसे ऊपर रखना है। एंड जब तक ये लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन ऑन आवरली टाइम फ्रेम रहेगा तब तक इसको कंटिन्यू करना है। जिन लोगों ने भी उस ट्रेड को लिया है, आई होप आप लोग अभी तक 1:2 का रिस्क रिवार्ड मिल चुका है। और अभी क्या कर सकते हैं कि फिर दोबारा आपको ये लोअर हाई लोअर लो जब तक रहेगा इस टाइप का मोमेंट, तब तक इसको कंटिन्यू आप कर सकते हैं। एक बार रिवर्सल आ जाएगा तो हम उसके बाद आप उसको निकाल सकते हैं। एंड तो यहाँ पे करेंटली ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था 76.30 से 76.50, इस लेवल पे क्या प्राइस सपोर्ट ले रहा है या नहीं हमें देखना पड़ेगा। जीबीपी डॉलर में कल एक अच्छा खासा करेक्शंस हुआ है, दैट इज आपका इट ट्रेडेड इन बिटवीन 1.3088 एंड 1.3190। तो अभी देखना है कि ये जो सपोर्ट लेवल्स था इसके ऊपर आज एंड कल यानी थर्सडे एंड फ्राइडे ये इसके ऊपर सस्टेन करता है या नहीं। अगर सस्टेन करता है देन ये जो ब्रेक है दिस विल बी कंसीडर्ड एज अ फॉल्स ब्रेक एंड इट्स सच सच सिनेरियो ये दोबारा ये हायर एंड की तरफ जाने का पॉसिबिलिटीज हो सकता है। दैट मींस समवेयर हियर 1.37 से 1.38 की तरफ। लेकिन हमें देखना है कि ये जाता है या नहीं। लेकिन उससे पहले थर्सडे एंड फ्राइडे आज और कल इसका प्राइस एक्शन कैसे होता है ये देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आज और कल में अगर दोबारा इसका लो को तोड़ देता है तो फर्दर एक बड़ा फॉल भी हम देख सकते हैं। यूरो डॉलर में हम देखेंगे कि कल यहाँ पर भी एक अच्छा खासा पुल बैक आया है। पुल बैक में आपका ये ट्रेडेड इन बिटवीन 1.0890 एंड 1.1095 यानी यहाँ पे दो बिगी का एक मोमेंटम हुआ है। अभी देखना है कि ये पार्टिकुलर लेवल पे हल्का सा करेक्शंस दे रहा है या नहीं। अगर थोड़ा सा करेक्शन दे के नीचे एक लोअर हायर लो फॉर्मेशंस करता है लाइक दिस एंड उसके बाद ऊपर जाने का ऊपर जाता है और हाई इस अभी का कल का जो हाई है उसको तोड़ के सस्टेन करता है ऊपर, तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ एक मोमेंटम हम आशा कर सकते हैं। डॉलर येन में जो हम देख रहे थे कि ये हायर एंड में मीन्स रेंज को ब्रेकआउट नहीं कर रहा है, अभी ये जस्ट हायर एंड के तरफ है। लेट इट टू ब्रेक अबोव एंड सस्टेन अबोव दिस पर्टिकुलर लेवल। क्या लेवल है? 116.30 से 116.50 के ऊपर, तब जाके हम एक कुछ देख सकते हैं। हालांकि आरएसए टर्म्स में हल्का सा बुलिशनेस है, तो एनी डिप मे बी बॉट फॉर इंट्राडे पर्पस। डॉलर कैंडी हम क्या देख रहे हैं कि कल एक ये जो ब्रेकआउट के बाद ये सस्टेन कर नहीं पाया एंड आपका कल एक अच्छा खासा सेल ऑफ दिखा गया। इट ट्रेडेड इन बिटवीन 1.2894 एंड 1.2803। तो अभी क्या,
अभी ये देखना है कि ये पर्टिकुलर हाई को दोबारा तोड़ता है या नहीं। अगर नहीं तोड़ता है एंड थोड़ा सा नीचे की तरफ सस्टेन कर जाता है, ये जो रेजिस्टेंस प्रीवियस रेजिस्टेंस लाइन था 1.2800 से 1.2830 के नीचे सस्टेन कर जाता है, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज अ फॉल्स ब्रेकआउट एंड देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज कि दोबारा ये नीचे की तरफ आ जाए, दैट इज टुवर्ड्स 1.26 2650 की तरफ आ जाए। ऑसी डॉलर में कल हमने डिस्कस किया था कि इज इट ए फॉल्स ब्रेकआउट और नॉट, और आज अगर कल क्या हुआ, ये नीचे के कल नहीं परसों ये नीचे की तरफ आ गया था, फिर कल ये यहाँ पे दोबारा रिगेन करने का कोशिश किया एंड एज ऑफ नाउ लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस लेने का कोशिश कर रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस ले लेता है, ये जो प्रीवियस जोन हाई है दैट इज 0.7320 से 0.7340 के बीच में ये रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ जाता है एंड ये जो कल का लो है, ग्रीन कैंडल का लो हो, इसको तोड़ के थोड़ा टाइम के लिए नीचे सस्टेन करता है, देन देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज के ये यहाँ पे आ जाए, मींस लोअर एंड ऑफ द रेंज पे आ जाए। सीएनएच में जो हमने पहले डिस्कस कर रहे थे कि ये पार्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन को रेस्पेक्ट करके दोबारा नीचे आता है एंड लो ब्रेक करता है या ऊपर की तरफ कंटिन्यू करता है, ये देखने वाला बात है। आज देख रहे हैं कि ये एक ये जो जोन के ऊपर ही ओपन दिया है, तो अभी अगर थोड़ा एक दो दिन अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो थोड़ा सा अपवर्ड, हल्का सा अपवर्ड, पूरा स्ट्रांग बुलिश हम नहीं बोलेंगे, हल्का सा अपवर्ड मूवमेंट हम यहाँ पे देख सकते हैं। कल ओवरनाइट में जो मेजर चेंजेस आया है, ब्रेंट ऑयल पे आया है, इट ट्रेडेड हाई ऑफ 131.59, लो ऑफ 105.91 एंड फाइनली क्लोज एट 112.06, अभी ये 111.58 में है। तो कल बेसिकली क्या हो रहा है कि काफी सारा न्यूज फ्लोज यहाँ पे आ रहे हैं बिकॉज ऑफ विच ये इवेंट्स हो रहा है। अभी क्या देखना है कि ऐसा लग रहा है कि फॉर टाइम बीइंग ये जो पीक है ये बन चुका है, तो अगर ऐसा है तो हम क्या देखेंगे, अभी एक अगर टॉप बनाता है, सिंपल टेक्निकल एनालिसिस कोई बड़ा कुछ नहीं है, अगर अभी एक हाई बनाता है ऊपर की तरफ जो हाई प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ता है एंड उसके बाद ये जो अभी का जो लो है उसको तोड़ देता है, देन इसका टॉप बन चुका होगा। लेकिन अभी भी काफी सारे न्यूज फ्लोज मजार में बाकी है, कभी सडनली पॉजिटिव न्यूज आएगा तो फिर धराम करके नीचे की तरफ, और अभी कोई एक नेगेटिव न्यूज आएगा तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाने का सवाल है। लेकिन कल का जो कैंडल है उसमें लग रहा है कि इसका जो अपवर्ड जर्नी जर्नी जो है वो सील हो चुका है, लेकिन फिर भी न्यूज फ्लोज न्यूज बेस्ड मार्केट है, हम कुछ भी ब्लाइंडली नहीं सोच सकते। आने वाले दिन में हमें प्राइस सेक्शंस देखना पड़ेगा। यूएस 10 ईयर ट्रेजरी जो हमने देखा है कि कल एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ है एंड ये जो स्विंग हाई था, रिसेंट स्विंग हाई, उसके ऊपर जाके क्लोज दे दिया है। जो हम बार बार बोल रहे थे कि जब तक ये लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन करेगा तब तक ये नीचे की तरफ ही रहेगा, एट द मोमेंट एक स्विंग हाई बाय ब्रेक करके फिर लो हायर हाई हायर लो बनाता है तो फिर इसका अपवर्ड जर्नी बनने का हायर प्रोबेबिलिटीज हो सकता है। अभी हम देखे हैं कि जो प्रीवियस स्विंग हाई है उसको तोड़ दिया है, देन व्हाट नेक्स्ट, अभी थोड़ा सा अपवर्ड टू न्यूट्रल बायस हो सकता है एंड अगर जैसे ही ये हायर हाई हायर लो बनाएगा तो फिर ये दोबारा ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि 16 मार्च में भी थोड़ा सा एफओएमसी का, थोड़ा सा नहीं, एफओएमसी का डिसीशन है, तो वहां पर भी हमें देखना है कि क्या एक्टिविटीज होता है। तो अभी के लिए हमारा आज का प्री करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस यहीं पे रखता हूँ। आप सभी का दिन शुभ हो।